कर को इसी परिप्रेक्ष्य में हम सबको मुकबल जाना है, चाहे माझी हो, चाहे मझवार हो, पूरा हो, कवर हो, गोर हो, जितने हम लोग यहाँ पे हैं, हम सभी आदिवासी हैं, हम शुरू से हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय करम, जय करम, जय करम, जय छत्तीसगढ़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, अभी मैं स्टूडियो में हूँ, देख सकते हैं मेरे दोस्त कैमरा को सेटअप करते हुए, क्योंकि हम लोग आज बिनिया कर्म पूजा के लिए जा रहे हैं, वहाँ के कार्यक्रम आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरे साथ में है नंदलाल स्टूडियो कैमरामैन, अपना सेटअप तैयार करते हुए देख सकते हैं स्टूडियो में, और अभी वहाँ का कार्यक्रम पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ में, जैसे कि मेरा अजीत आर्ट्स ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार नंदलाल स्टूडियो मेरा दोस्त है, वो स्टूडियो में ही काम करते हैं, मेरा अपना स्टूडियो है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में, उनको भी सपोर्ट करिएगा, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग तिरकेला नवनिर्मित पुल के पास खड़े हुए हैं, दोस्त आ रहा है, दोस्त को वेट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ से तुरंत निकल पड़ेंगे बिनिया के लिए। वहाँ स्टार्ट लगभग हो ही चुका होगा, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में अजीत आर्ट्स ब्लॉग और नंदलाल स्टूडियो के साथ, और वहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो कर्मा डाल से लेकर के विसर्जन तक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बन पड़े हम लोग फुल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ नंदलाल जी हैं, कैमरा पकड़ करके हाय बोल दीजिए आप, हाथ चलिए, और आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये नवनिर्मित पुल है जो कि इसी वर्ष तैयार होने को जा रहा है, और उधर का तैयार नहीं हो पाया है, जिसके वजह से परिवहन सुविधा आने जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग अभी पुल के बीच में आकर के ब्लॉग शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं इधर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम सरगुजा का पहला लंबा पुल बोलना चाहिए। देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा और सुंदर ढंग से बनाया गया है। वो लगभग पहुंचने वाले हैं मेरे दोस्त, पहुंचिए गए, ये पल्सर में आ रहे हैं। नमस्कार दोस्त, नमस्कार। आ गया है मेरे दोस्त राकेश और पीछे संतोष, तो हाय बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स लोगों को, और इधर हमारे साथी कैमरामैन नंदलाल स्टूडियो, तो मिल गए हैं, अभी कुछ देर में फौरन रवाना होंगे। रावण भी जाएगा? हाँ, हमारे साथ रावण भी चलने वाला है। यात्रा हो जाने का, हाँ थोड़ा टाइट हैंडल है, हैंडल टाइट है ना थोड़ा। तो हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं दोनों तीनों, और साथ में भैया जी आ गए हैं हमारे साथ में, मीशो पार्सल वाले जी हैं। हेलो भैया। हाँ देखिए, वो हाय कर रहे हैं आप लोगों को, देख सकते हैं हम लोग तीनों चारों जन निकल गए हैं, आओ वहाँ का मज़ेदार वीडियो दिखाने के लिए। देख सकते हैं आसपास के व्यू, बहुत खूबसूरत, जंगलों से घिरा। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आएंगे तो यहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जो कि आज ही रात को इस रास्ते से गुजरा है, और हो सकता है इसी जंगल में हो, तो आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आएंगे तो थोड़ा सतर्कता बनाए रखेंगे। देख सकते हैं राकेश अपना स्टैंड संभालते हुए, और हमारे ड्राइवर साहब वो ड्राइविंग करते हुए बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए वहीं मिलते हैं। दोस्तों हम लोग डबल टेबल हैं, तो थोड़ा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बिनिया पल्ली, देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग हैं, और उधर शायद ख़त्म होने वाला है बोल रहे हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं और नचवाने की, और दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं बीच में। तो चलिए हम लोग प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, और उधर नाचते नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल का नाम। Oh,
बच्चे हैं। हाय बोल दीजिए सभी को। राकेश हाय बोल दो। देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग फिलहाल ऊपर चढ़ चुके हैं। आदिवासी कर्मा हम लोग का धरोहर है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं पीछे। कर्मा का डाल जो सामने दिख रहा है, ये हमारे पूर्वज लोग कष्ट में थे, ये पत्ती कष्ट के समय वो जो अंधेरा था गुफा था उसके ऊपर छा गया और ये हम लोगों को बचाया है। हम सबको आज नाचते हुए गाते हुए खुशी मनाते हुए गौरवान्वित होना चाहिए कि हम एक समाज के लोग हैं, हमारे एक संस्कृति है, हम खुशी से अपनी खुशी कई रूप में गा के बजा के कर्मा गाड़ के हम अपने खुशी का इजहार करते हैं। ये कर्मा हमारा उगाने जो आगे समय आने वाले समय तक बना रहे। हम प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। खजूर एक प्राकृतिक चीज है, नीम एक मछली का नाम है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तिरकी एक पक्षी का नाम है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जी हाँ किंडो एक मछली है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लकड़ा शेर हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति से बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं। ये हमारा संस्कृति है, हमको हमारे पूर्वजों ने अपने विरासत में हमको संभाल के दिया है। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, नाचना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है, बावजूद इसके हम इसको अगले समय तक अगले पीढ़ी तक बना के रखेंगे, संजो के रखेंगे, ऐसा इस कर्मा त्योहार का मतलब है। बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है, सभी लोग हम लोग सुंदर हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जी हाँ ये संस्कृति हमारा बना रहे। मैं इसी आशा के साथ इस मंच के माध्यम से आपका आह्वान करता हूँ, आने वाले समय अगले वर्ष हम यहीं पर हमारे जो अगुवाई हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनके अगुवाई में हम यहाँ और अच्छे भव्य रूप से नाचेंगे गाएंगे,
मैं इन्हीं शब्दों के साथ उसको विराम देना चाहूंगा। और जितने भी हम आदिवासी हैं, जितने भी हम आदिवासी हैं, उराव, कंवर, गौड़, माझी, मझवार, हम सभी आदिवासी हैं। हम कर्मा के पुजारी हैं। जितने भी हम आदिवासी हैं, कंवर, गौड़, उराव, माझी, मझवार, हम सब आदिवासी हैं। हम भारत देश के मूल निवासी हैं। हमको कोई उखाड़ नहीं सकता, हमको कोई जुगाड़ नहीं सकता। हम अपना हक लेके रहेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को जगा रहा हूँ। हम सबको, आपको, हमको नाचना केवल पर्याप्त नहीं है, और 18 तारीख को इसी परिप्रेक्ष्य में हम सबको मुकाबल जाना है। चाहे माझी हो, चाहे मझवार हो, उरा हो, कंवर हो, गौर हो, जितने हम लोग यहाँ पे हैं, हम सभी आदिवासी हैं। हम शुरू से हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय करम, जय करम, जय करम, जय छत्तीसगढ़।
विशाल स्टूडियो यहाँ से शॉट लेते हुए, और सभी साथीगण ब्लॉग बनाने में बिजी हैं, और इकोम एक्सप्रेस वहाँ से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और राकेश भी अपना गिम्बल पकड़ लिए हैं, वो ब्लॉग बना रहे हैं अपने लिए, और नंदलाल स्टूडियो भी देख सकते हैं कैमरा के साथ में खड़े हैं। देना चाहता हूं कि मैं अपना इसका लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीनियर ब्लॉगर है, सपोर्ट कीजिएगा अपन। फिलिप एक्का है नाम इसका, देख चलते हैं।